Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, am I audible? Yes. All right, good. Thank you, Shyam. Yes. Yeah. All right, fine. So welcome in today's session, okay? और जैसे हमने देखा था कि आज हमें कुछ सॉफ्टवेयर्स देखने थे जो आपकी टाइपिंग में हेल्प कर सकते हैं। कल हमने टाइपिंग एटिकेट्स पर बात की और उसका डेमोंस्ट्रेशन भी देखा, आप कैसे कीबोर्ड को हैंडल कर सकते हैं और कीबोर्ड के साथ फैमिलियर होने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइजेस आप उस पर कर सकते हो, और आपको फिंगर एटिकेट्स भी सिखाए गए थे, राइट? श्याम सर ने वो सेशन पूरा कंडक्ट किया था। और हमने आज सोचा था कि मतलब कल ही सोच लिया था कि आज आपको वो सॉफ्टवेयर्स दिखाएंगे जिसकी मदद से आप खुद से अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हो, मतलब विद द टाइपिंग एटिकेट्स एंड मैनर्स। ओके गाइस, हालांकि एक टॉपिक हमारा रह गया था जिसके लिए हम चाहते हैं कि वो टॉपिक आज ही कवर हो तो अच्छी बात है, ठीक है? तो जिसके लिए हमने ये जो है क्लास, ये आज का टॉपिक लिया है, और ये सेशन जो है हमारा ये 7:30 तक, आज के लिए 7:30 तक चलेगा। कल से वापस हम 8:00 तक ये सेशन जारी रखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो आज का टॉपिक आपने देखा होगा, एप्लीकेशन मेन्यू एंड फाइल मेन्यू, इजंट इट? अब ये क्या होता है और ये किस कैसे काम आता है हमें, ठीक है? इसके बारे में बात करने के लिए आज फिर से श्याम मिश्रा सर आपके साथ होंगे और मैं भी हूँ ऑब्वियसली, ठीक है? तो आज का डेमोंस्ट्रेशन और आज की सारी चीज़ें आपको श्याम मिश्रा सर बताएंगे, आज के सेशन की सारी चीज़ें, और मैं भी रहूँगा साथ में आपके। सो यस, ओवर टू यू श्याम। हेलो एवरीवन, सबको सबसे पहले गुड इवनिंग, और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हम टॉपिक देखेंगे, जिस तरह हमने ग्रुप में देखा, फाइल मेन्यू एंड एप्लीकेशन मेन्यू। आज 14 सितंबर की रोज़, 14 सितंबर की शाम हम ये टॉपिक कवर कर रहे हैं। आई होप मेरी आवाज़ आप लोग को सही तरीके से आ रही होगी। थैंक यू। तो यस सर, आ रही है। तो गए बार हमने, विगत सेशन में हमने स्टार्ट मेन्यू कवर किया था, कुछ सेशन के पहले आपको याद होगा, वो शायद मंगल का दिन था, ठीक है, जब हम आपको स्टार्ट मेन्यू दिखा रहे थे। तो स्टार्ट मेन्यू आपने देखा क्या है, वर्टिकली दिखता है, मतलब ऊपर से नीचे पूरा जाता है वो, डाउन एरो करेंगे तो सारा ये उसके सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। पर जो एप्लीकेशन मेन्यू होता है ना, वो हॉरिजेंटल वे से होता है, ठीक है, यानी हॉरिजेंटल बार दिखता है वो, ठीक है, जिस तरह से हमने टास्क बार के बारे में डिस्कस किया था, मतलब जैसा हॉरिजेंटल बार होता है ना, उस तरह से वो दिखता है, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट, हॉरिजेंटल बोले तो लेफ्ट टू राइट। तो एप्लीकेशन मेन्यू यानी क्या, एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर, आप लोग को पता है। तो जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल्ड करते हैं, तो उस एप्लीकेशन के लिए कुछ निश्चित किए गए कुछ ऑप्शंस होते हैं, पर्याय होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन मेन्यू। यानी कोई एप्लीकेशन ले लो आप, कोई गेम ले लो, या जॉज ही ले लो, या अपने स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर ले लो, NVIDIA जैसे सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है, या कुछ भी सॉफ्टवेयर ले लो, अपने ऑडियो सॉफ्टवेयर ले लो, उसके जो मेन्यूज होते हैं उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे नोटपैड को परफॉर्म करेंगे आप लोग को ध्यान में आने के लिए। तो चलते हम नोटपैड की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी जो स्क्रीन है वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग को भी ये पता चले कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। आप लोग को जॉस की आवाज शायद आ रही होगी, अभी आ रही है जॉस की आवाज? Title is meeting controls. Yes sir. Thank you फियाज सर। तो मैं जॉस की आवाज, मेरी जो है स्पीड वो स्लो कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को और भी अच्छे से मालूम पड़े, जो भी मैं ऑपरेट करूँगा, जो भी मैं इस पर कृति करूँगा,
ठीक है, तो मैं स्लो कर रहा हूँ जॉब्स को अभी. Slower, 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 slower. Title is meeting controls. अब हम चलते हैं नोटपैड में. सबसे पहले Windows R. Run dialog. Type the name of N O T E P A D. Notepad. Enter. Desktop. Folder view. List view. Control panel. 6 of 14. Untitled dash notepad. Edit. मेरा नोटपैड ओपन हो चुका है. गाइस, ये बात ध्यान में रखें कि जब भी हम कंप्यूटर पे काम करें तो बहुत से लोगों को आदत होती है फाइल खोल जा डायरेक्टली काम शुरू करते हैं. वैसा नहीं करना है. फाइल खोलने के बाद सबसे पहले हमने आपको इस कंप्यूटर के कोर्स के शुरुआती में आपको बताया था हमने कि कुछ भी कंप्यूटर पर जब आप काम करें तो टाइटल चेक करें सबसे पहले जो आपने एप्लीकेशन ओपन किया है. तो हम इंसर्ट टी से टाइटल चेक करते हैं पहले. टाइटल इज अनटाइटल्ड डैश नोटपैड. यानी ये निश्चित हो गया कि ये मेरा नोटपैड खुल चुका है. ठीक है, तो अभी नोटपैड देखेंगे. सबसे पहले नोटपैड के बारे में जानते हैं बेसिक जानकारी. नोटपैड एक बेसिकली ये भी टाइपिंग की फाइल है. जैसे वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसी तरह हम इसमें टाइप कर सकते हैं. बट कुछ लोग इसको रफ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक रफ फाइल अगर सेव करनी है. इसमें ज़्यादा हम कलर कर नहीं सकते, इसमें ज़्यादा हम बुक्स बना नहीं सकते. ठीक है, जैसे अपने नोटबुक होती है ना, नोटबुक, उस तरह से ये नोटपैड काम आता है. ठीक है, नॉर्मल एकदम सादा रफ लिखने के लिए. जस्ट वेट, जस्ट वेट श्याम. नोटपैड इस शब्द का मीनिंग ही क्या है? नोटपैड, नोटपैड मतलब क्या कि अगर हमें रफ में कोई भी नोट यूज करनी है. जैसे नोटपैड मतलब क्या, आप अगर आपकी कोई भी एक पर्टिकुलर डायरी है, ठीक है, जिसमें आप कुछ टेम्प्ररी बेसिस के लिए आपको लिख के लेना है और बाद में आप वो मिटा सकते हो. तो मतलब आपका काम होने के बाद वो आप मिटा सकते हो. आप उसको कहीं सेव कर लेंगे तो आपको आपने जो लिखा है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी रफ में. ठीक है, तो सेम थिंग विल वर्क अबाउट नोटपैड एज वेल. ओके, तो आपको कुछ रफ करना है, रफली ऐसे कुछ लिखना है आपको, तो उसके लिए हम सिर्फ नोट्स निकालने के लिए नोटपैड का यूज करेंगे. ओके गाइस, कंटिन्यू श्याम. ओके, थैंक यू. नोटपैड का और एक यूज होता है गाइस. बेसिकली आपको ये जानना चाहिए कि कुछ वेबसाइट जब डिजाइन करते हैं, कुछ उसके जो पेजेस होते हैं वो लिखने के लिए नोटपैड का यूज होता है. ठीक है, अगर हम HTML फाइल लिखते हैं तो उसके लिए नोटपैड का यूज होता है बस. ठीक है, तो नोटपैड को किस तरह से ऑप्शन है उसमें वो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, Participants can now see your screen. तो अब मैं Alt की प्रेस करता हूँ क्योंकि देखिए मैंने मेन्यू ओपन करने के लिए, स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए हमने प्रेस किया था विंडो की. बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा कि क्वेश्चन होगा कि Alt मेन्यू किस लिए है. तो अब मैं ये Alt मेन्यू प्रेस करता हूँ ताकि इस नोटपैड में जो भी ऑप्शन हैं आपको सारे यहाँ पर दिखाएंगे, यानी दिखाई देंगे या तो सुनाई देंगे. ठीक है, जॉस के थ्रू. अभी Alt की यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी. From Nazmin to everyone, Colin voice is very slow. Okay. अभी मैं Alt की प्रेस कर रहा हूँ. Menu bar, file F. देखिए सबसे पहले आया फाइल मेन्यू. अभी हमने स्टार्ट मेन्यू किस तरह नेविगेट किया था, अप डाउन मेनू से. बट इसे अप डाउन मेनू से हमें नेविगेट नहीं करना है, इसे हमें करना है लेफ्ट राइट और उससे नेविगेट. इसमें कई मेन्यू दिए गए हैं, उसके अंदर सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं. सबसे पहला है फाइल मेन्यू. मैं राइट अरो प्रेस कर रहा हूँ अभी. देखिए एडिट मेन्यू. ठीक है, वापस मैं राइट अरो प्रेस कर रहा हूँ. फॉर्मेट, ओ फॉर्मेट मेन्यू. वापस मैं राइट अरो प्रेस कर रहा हूँ. व्यू, वी व्यू मेन्यू. और एक दफा राइट अरो प्रेस कर रहा हूँ मैं. हेल्प, एच हेल्प. और एक दफा राइट अरो प्रेस कर रहा हूँ मैं. सिस्टम. वापस एक बार राइट अरो प्रेस करता हूँ. फाइल एफ. इतने सारे ऑप्शंस हैं. जैसे आप राइट अरो राइट अरो राइट अरो कंटिन्यूसली प्रेस करते जाएंगे तो जहाँ पे है वहीं पे कर्सर आएगा. यानी हेल्प, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, सिस्टम, फाइल, इतने सारे ऑप्शंस आएंगे. उस तरह लेफ्ट अरो प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अरो से हम उल्टा जाएंगे. अभी देखिए मेरा कर्सर फिलहाल फाइल मेन्यू पे है. ठीक है, तो वो अभी मैंने राइट अरो प्रेस किया, मैं लेफ्ट अरो प्रेस करता हूँ अभी ताकि आपको और अच्छे से आपको नॉलेज हो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाइए. लेफ्ट अरो करता हूँ.
सिस्टम देखिए वापस वो रिवर्स जा रहा है ठीक है वापस पीछे जा रहा है हेल्प एच व्यू वी फॉर्मेट ओ एडिट ई फाइल आ गया फाइल मेनू और वापस अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करते जाऊं तो जो आना है वही आएगा सिस्टम हेल्प एच व्यू वी फॉर्मेट ओ एडिट ई फाइल एफ ठीक है तो अभी चलते हैं हम इतने सारे ऑप्शन आप लोग को समझ में आ चुके होंगे ठीक है ऐसा ऐसा करता हूँ मैं अभी चलते हैं आगे सबसे पहले हम देखते हैं फाइल मेन्यू एस्केप लीविंग मेन्यू बार एडिट वापस मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ मैंने एस्केप कर दिया था पूरा मेन्यू हटाने के लिए ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से सटीक जानकारी मिले और समझ में आए आप लोग को कि किस तरह से नोट पैड को या किसी भी एप्लीकेशन मेन्यू को किस तरह से नेविगेट किया जा सकता है मेन्यू बार फाइल एफ पहला ही ऑल्ट की प्रेस करते हुए जब मैंने ऑल्ट की प्रेस किया तो पहला ही मेन्यू आया मेरा फाइल मेन्यू तो इससे मुझे इसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर के जो भी वो मुझे देखने हैं ऑप्शंस ठीक है तो मैं जाता हूँ विकल्प चुनने के लिए ठीक है तो मैं डाउन एरो करता हूँ यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर हमें देखना है क्या क्या है मेन्यू फाइल मेन्यू न्यू कंट्रोल प्लस एन एन देखिए न्यू कंट्रोल प्लस एन ठीक है ये ऑप्शन है न्यू हम कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर सकते हैं फाइल मेन्यू से ठीक है नया फाइल ओपन कर सकते हैं ठीक है न्यू विंडो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन डब्ल्यू न्यू विंडो ठीक है डाउन एरो ओपन डॉट 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 कंट्रोल प्लस ओ ओपन डॉट 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 देखिए इसके बाद में शॉर्टकट की बता रहा है गाइस कंट्रोल ओ ठीक है कंट्रोल एन ऐसा ठीक है सेव कंट्रोल प्लस एस देखिए सेव कंट्रोल प्लस एस ठीक है सेव है इसमें सेव डॉट 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 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ए कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एस डॉट 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 ओके डाउन एरो पेज सेटअप डॉट 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 यू पेज सेटअप प्रिंट डॉट 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 कंट्रोल प्लस पी ई प्रिंट एग्जिट एक्स एग्जिट एक्स ठीक है ये हुआ हमारा फाइल मेन्यू आप लोग को समझ में आ चुका होगा फाइल मेन्यू ठीक है अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मेन्यू की तरफ Escape menu bar file F Escape leaving menu bar edit ठीक है Escape अब मैं वापस Alt की प्रेस करता हूँ ताकि मैंने सारे ऑप्शंस Escape करने के बाद मैंने वो बंद कर दिए हैं ठीक है मेरा नोटपैड चालू है Title is untitled dash notepad फिर से मैं Alt की प्रेस कर रहा हूँ आप लोग के सामने menu bar file F अगले मेन्यू की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं एडिट मेन्यू एडिट ई अब इसके अंदर क्या क्या विकल्प हैं वो हम ढूंढते हैं वो हम देखते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे क्या विकल्प है हमारे एडिट मेन्यू में ऑलराइट श्याम श्याम वेट ओके मुझे कुछ इसमें कहना था कि जब आप जैसे श्याम सर ने बोला कि ऑल्ट मेन्यू जब आप खोलते हो ठीक है तो ऑल्ट मेन्यू खोलने के बाद आपको पहले मेन्यू दिखते हैं ठीक है मतलब पहला मेन्यू दिखेगा वो है फाइल मेन्यू और अगर श्याम सर ने अब बोला है कि श्याम सर ने आपको उस मेन्यू के अंदर के ऑप्शंस भी दिखाए अब ठीक है तो अप एरो डाउन एरो से आपने वो ऑप्शंस भी देखे लेकिन आपको मेन्यू पे नेविगेट करना है मतलब एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू में जाना है तो उसके लिए आपको लेफ्ट एंड राइट कीज का यूज़ करना है और अगर उस मेन्यू के अंदर वाले जो पर्टिकुलर ऑप्शंस है उसके लिए आपको अप एरो डाउन एरो का अगर मान लो कि आप एडिट मेन्यू में हो ठीक है तो एडिट मेन्यू के ऑप्शंस आपको अप और डाउन एरो से देखने हैं और आप अगर फाइल मेन्यू में हो तो फाइल मेन्यू के ऑप्शंस आपको अप और डाउन एरो से देखने हैं और ऐसे ही अगर आपको फाइल मेन्यू से एडिट मेन्यू में जाना है तो फाइल मेन्यू पे आपका जब कर्सर होगा तो आपको राइट की से सारे मेन्यू मिलेंगे राइट और लेफ्ट की से ओके सो ये मुझे कहना था कंटिन्यू श्याम ओके आप लोग को जो अभी फयाज सर ने कहा वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा हम थे एडिट मेन्यू पर तो एडिट मेन्यू के अंदर क्या क्या विकल्प हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं वो अभी हम देखेंगे ठीक है मेरा कर्सर है एडिट मेन्यू पर तो मैं अभी डाउन एरो करता हूँ मेन्यू एडिट मेन्यू अंडू कंट्रोल प्लस जी अनअवेलेबल यू अंडू और वो बोल रहा है अनअवेलेबल क्योंकि हमने कुछ किया नहीं ना इसमें ना तो कोई फाइल सिलेक्ट की है ना तो कुछ किया है इसलिए अनअवेलेबल बोल रहा है वो बट ऑप्शन है अंडू ठीक है कट कंट्रोल प्लस एक्स अनअवेलेबल टी कट कंट्रोल एक्स कट का ऑप्शन है
आप लोग को पता होगा कट, वैसे तो हम बाद में भी सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट फोल्डर के टाइम पे, बट इसमें ये ऑप्शन है, ठीक है, कॉपी कंट्रोल प्लस सी अनअवेलेबल सी, ठीक है, कॉपी कंट्रोल प्लस सी ऐसा बोला उसने, शॉर्टकट की बताया, कट के लिए उसने बताया कंट्रोल एक्स, मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं गाइस, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी अनअवेलेबल ई, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी, ठीक है, अगर मैं अप एरो करूं गाइस यहीं से तो वापस मैं कॉपी कंट्रोल प्लस सी अनअवेलेबल सी कॉपी पे चले जाऊंगा, कट कंट्रोल प्लस एक्स अनअवेलेबल ई, ठीक है, वापस मैंने अप एरो किया कट, ऐसा उल्टा जाएगा गाइस, ठीक है, फ्रॉम श्रेडेड अंडर लेफ्ट पेरेंट टाइटन्स राइट पेरेंट टू एवरीवन कोलन सर योर वॉइस इज वेरी स्लो, नो बाय इट्स ऑडिबल श्रद्धा, आई थिंक कैथी, yes sir, it's audible right sir, yes sir you are audible but Shyam sir ki awaaz bahut slow aa rahi hai, abhi 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 aa rahi meri awaaz guys, yes yes sir aapki ke, yes sir aapki pehle se better hai lekin slow aa rahi thi, okay okay bhai, thank you abhi theek aa rahi hai, ha okay guys, okay okay, to aap apne agar computers ke ya mobile ke jo sound hain wo badha lijiyega agar volume kam ho to, ठीक है गाइस, और थैंक यू बताने के लिए, थैंक्स गाइस, तो हम थे एडिट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में देख रहे थे, हमने देखा कट कॉपी पेस्ट, कॉपी कंट्रोल प्लस सी अनअवेलेबल सी, डाउन एरो कर रहा हूं मैं, पेस्ट कंट्रोल प्लस वी अनअवेलेबल ई, पेस्ट, डिलीट एल अनअवेलेबल एल, डिलीट, सर्च विद बिंग डॉट डॉट कंट्रोल प्लस ई अनअवेलेबल एस, सर्च विद बिंग, फाइंड डॉट 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 कंट्रोल प्लस एफ अनअवेलेबल एफ, फाइंड, ये सब जब हम वर्ड सीखेंगे तो सारे ऑप्शंस हम जानेंगे क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस ये सब, find next f3 unavailable n, find next, find previous shift plus f3 unavailable v, find previous, replace dot 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 control plus h r, replace, go to dot 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 control plus g g, go to, select all control plus a a, select all, time slash date f5 d, देखिए time slash date ये भी हम आज देखेंगे time and date कैसे insert करना notepad में f5 की से और कहाँ इस्तेमाल होता है वो, ठीक है, undo control plus z unavailable, आ गया फिर से undo, okay, ये हुआ हमारा edit menu, ठीक है, तो पहला option है हमारा undo, हम चलते right arrow से next menu में हमारे, ठीक है, menu bar menu format menu word wrap w, format menu, ठीक है, ये option है पहला word wrap, ये भी हम आगे जानेंगे word wrap होता क्या है mostly, ठीक है, font dot 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 f, font, ठीक है, word wrap w, इसके अंदर दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक है गाइस, word wrap और font, font भी है, बेसिक कलर कर सकते हैं यानी बड़ा छोटा कर सकते हैं, नॉर्मल बोल्ड इटैलिक इसमें हम कर सकते हैं, बाकी जो वर्ड में जो कलर हम देते हैं एमएस वर्ड में वो हम इसमें हम नोटपैड में नहीं दे सकते, ठीक है, आगे चलते हैं गाइस राइट एरो से, व्यू मेन्यू zoom sub menu z, ये देखिए यहां पे पहला ऑप्शन है व्यू मेन्यू में zoom sub menu, अभी सब मेन्यू है तो एप्लीकेशन मेन्यू में सब मेन्यू आया तो कैसे ओपन करेंगे, पहले हम इसमें के सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, दो ही ऑप्शंस हैं, एक है ज़ूम सब मेन्यू और एक है स्टेटस बार चेक एस, स्टेटस बार चेक डाउन एरो करने पे, वापस डाउन एरो कर रहा हूं मैं ज़ूम सब मेन्यू जी, ये वही आया, ठीक है, अगर मैं अप एरो करता स्टेटस बार से स्टेटस बार चेक एस, ये स्टेटस बार अगर मैं यहां पे अप एरो भी प्रेस करता ज़ूम सब मेन्यू जी आता मेरा ज़ूम सब मेन्यू, ये सब मेन्यू है, तो आई वांट टू ओपन दिस, we'll press right arrow zoom and control plus plus i, ye dekhiye right arrow maine press kiya, theek hai, abhi guys yahan se agar main right arrow wapas press karunga to mera menu change ho jayega, theek hai, dusre menu mein chale jayega mera, theek hai, to mujhe dusre menu mein filhal jana nahi hai, yahan ke options dekhne kya kya hai, theek hai, to main down arrow karunga zoom out control plus minus o, ye zoom sub menu kya hai guys, बड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है, यानी कुछ कैरेक्टर होते हैं फॉन्ट यानी बड़े छोटे करते हैं ना, इसको हम जूम आउट जूम इन कहते हैं, ठीक है, ये वो जूम नहीं है, ठीक है, ये इस प्रकार का जूम है, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कंट्रोल प्लस 0 आर, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम इन कंट्रोल प्लस प्लस आई, फिर से जूम इन, ठीक है, अभी सब मेन्यू मुझे बंद करना है तो मैं क्या करूंगा गाइस, लेफ्ट एरो जूम सब मेन्यू जी, बंद हो गया सब मेन्यू, मैं डाउन एरो करता हूं स्टेटस बार चेक एस, ये स्टेटस बार है, ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा इतना ऑप्शन, अब हम नेक्स्ट मेन्यू की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत छोटा है, मेन्यू बार मेन्यू हेल्प मेन्यू व्यू हेल्प पेज, हम कहते हैं हेल्प मेन्यू, ठीक है, हम इसमें डाउन एरो करते हैं सेंड फीडबैक एफ, सेंड फीडबैक अबाउट नोटपैड ए, अबाउट नोटपैड,
अगर हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारे नोट पैड के बारे में वो बताएगा कि हमारा नोट पैड कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, ठीक है, वो हमें बताएगा। ओके, डाउन एरो करते हैं, व्यू हेल्प पेज, व्यू हेल्प यानी नोट पैड किस तरह से यूज करना है, क्या है वो हेल्प आपको बताएगा यहाँ पे। सेंड फीडबैक, सेंड फीडबैक अबाउट नोट पैड, ए अबाउट नोट पैड, हो गया गाइस। ये हेल्प मेन्यू आपको समझ में आ चुका होगा। वापस राइट एरो प्रेस करता हूँ मैं, मेन्यू बार, मेन्यू सिस्टम मेन्यू रिस्टोर अवेलेबल बार, लास्ट है जिसको हम कहते हैं सिस्टम मेन्यू, रिस्टोर ऑप्शन है यहाँ पे, रिस्टोर, मूव एम, मूव यानी अगर हम ये करेंगे तो मूव हो जाएगा वो फाइल, साइज एस, साइज, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मूव यानी वही कि अगर हम यहाँ पे अगर एंटर करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे, डाउन एरो प्रेस करते रहेंगे तो नोट पैड अचानक से नीचे 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 स्लाइड होते जाएगा वो, ठीक है, ताकि ऊपर का जो विंडो है वो तो आपको दिखाएगा, नोट पैड पूरा विंडो स्लाइड होगा धीरे धीरे नीचे नीचे, जैसा विंडो स्लाइड होता है वैसा, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनिमाइज, मिनिमाइज है ये यानी छोटा होना, मैक्सिमाइज एक्स बड़ा होना, मिनिमाइज करेंगे तो ये नोट पैड छोटा दिखेगा और मैक्सिमाइज करेंगे तो नोट पैड पूरा विंडो कवर कर देगा, पूरा दिखेगा भी नहीं, मतलब पूरा जो स्क्रीन है वो सिर्फ नोट पैड से पूरा भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। डाउन एरो करते हैं, क्लोज सी, क्लोज, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मेन्यू बार, एस्केप, एस्केप, मैंने फिर से एस्केप कर दिया, ठीक है। तो गाइस इसमें हमने देखे कुछ 6 प्रकार के मेन्यू, ठीक है। अब कुछ कुछ जगह पे क्या होता है गाइस, कुछ कुछ कंप्यूटर्स में कभी कभार किसी को ऐसे इशू आ जाते हैं कि ऑल्ट की प्रेस करने से भी वो मेन्यू आते तो हैं, फाइल मेन्यू आ जाता है, बट बाकी के सारे मेन्यू दिखाते नहीं, उन लोगों को दिक्कत होती है नेविगेट करने में, तो वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी शॉर्टकट चीज़ होती है गाइस, ठीक है, अभी देखो वापस हम सिर्फ मेन्यू नेविगेट करेंगे, ऑप्शन नहीं, ठीक है, मेन्यू, मैं ऑल्ट की प्रेस कर रहा हूँ वापस, मेन्यू बार फाइल एफ, देखिए क्या बोला उसने, मेन्यू बार फाइल एफ, यानी क्या उसका शॉर्टकट थी एफ, ऑल्ट एफ, अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करता और एफ प्रेस करता तो वो मेन्यू आ जाता, ठीक है, फाइल मेन्यू, फ्रॉम बबल गप्ता टू एवरीवन कोलन आउट स्टॉप होजे एफ 4 प्लस। तो अभी हम राइट एरो प्रेस करते हैं, एडिट ई, ये देखिए एडिट, ऑल्ट ई, अगर मैं ऑल्ट ई प्रेस करता तो एडिट आ जाता, वापस हम देखेंगे इसका सब कुछ, ठीक है। फॉर्मेट ओ, फॉर्मेट, ये देखिए फॉर्मेट यानी ऑल्ट ओ प्रेस करता तो फॉर्मेट मेन्यू आ जाता, ठीक है। व्यू वी, देखिए ऑल्ट वी अगर मैं प्रेस करता तो व्यू मेन्यू आ जाता। हेल्प एच, हेल्प, ऑल्ट एच प्रेस करता तो हेल्प मेन्यू आ जाता। सिस्टम, सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं है तो सिस्टम के लिए मेन्यू ओपन करना है तो आपको ऑल्ट स्पेस ओपन करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे जब हम अभी करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं सारे मेन्यू शॉर्टकट किसी भी ओपन करके दिखाऊंगा। फाइल एफ, देखिए फाइल है ऑल्ट एफ, ठीक है। तो मैं एस्केप कर रहा हूँ गाइस अभी, एस्केप, लीविंग मेन्यू, एस्केप, एस्केप, देखिए मेरा नॉर्मल नोटपैड आया है, टाइटल इज अनटाइटल्ड डैश नोटपैड, जो भी मैंने मेन्यू सिलेक्ट किए थे, जिस जो मेन्यू का मैंने चयन किया था वो मेन्यू मेरा हट चुका है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ऑल्ट एफ प्रेस करता हूँ तो फाइल मेन्यू बराबर आ जाएगा, देखिए ऑल्ट एफ मेन्यू फाइल मेन्यू न्यू कंट्रोल प्लस एन, एन, देखिए फाइल मेन्यू आ गया, ठीक है। तो बाकी के आप इसमें के जो सारे ऑप्शंस हैं वो डाउन 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 एरो करके आप नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एडिट मेन्यू की तरफ, एस्केप मेन्यू बार, एस्केप, एस्केप, लीविंग मेन्यू बार, एडिट, क्या है एडिट मेन्यू का शॉर्टकट, क्या है ऑल्ट ई, क्योंकि एडिट ई बोलता है ना वो, एडिट ई, ठीक है। तो हम ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, ऑल्ट ई मेन्यू, एडिट मेन्यू, अंडू कंट्रोल प्लस जी अनअवेलेबल, यू, देखिए यहां के एडिट मेन्यू, इसको भी हम अप डाउन एरोस के सारे ऑप्शंस हम नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं escape, med, escape, leave, med. Format menu, तो Alt O उसका शॉर्टकट की है, Alt O प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट मेन्यू ओपन हो जाएगा। Alt O menu, format menu, word wrap, W, ये देखिए फॉर्मेट मेन्यू है, इसको भी हम डाउन एरो या अप एरो से नेविगेट कर सकते हैं। F, word wrap, W, font, dot, 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 F, ठीक है। Escape menu bar, format, escape, escape, leaving menu bar, edit, अभी हम चलते हैं व्यू मेन्यू में, व्यू मेन्यू में कैसे जाएंगे हम, Alt V, Alt V menu, view menu, zoom sub menu, Z, क्या क्या view menu, status bar checked, S, मैं down arrow press कर रहा हूँ, zoom sub menu, Z, status bar checked, S, escape, escape, leaving menu, अभी चलते हैं अगले मेन्यू की तरफ, वो है हमारा
फेच मेन्यू आर्ट एच ऑल एच मेन्यू हेल्प मेन्यू व्यू हेल्प एच देखिए व्यू हेल्प इसे भी हम ऑप्शन और से नेविगेट कर सकते हैं ओके सेंड फीडबैक एफ अबाउट नोटपैड ए व्यू हेल्प एच एस्केप मेन्यू बार एस्केप एस्केप लीव इन मेन्यू बार अभी सिस्टम मेन्यू देखना है किस तरह ओपन करना है सिस्टम मेन्यू का तो कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है तो सिस्टम मेन्यू ओपन करने के लिए हम alt space करेंगे यहां पे alt space menu system menu restore unavailable menu ओपन हो गया मेरा तो हम इसको भी हम अप डाउन और से नेविगेट कर सकते हैं move m size s minimize n maximize x close c escape menu bar system escape leaving menu bar edit i hope आप लोग को इतना समझ में आएगा क्योंकि जैसे मैंने फाइल मेन्यू ओपन करके लेफ्ट राइट और प्रेस किया तो एडिट e फॉर्मेट o ऐसा बोला था आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा ठीक है तो उसके साथ अगर alt की लगा देंगे alt plus o alt h alt e alt f alt v तो ये सारी फाइल्स मेन्यू के जो भी ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाएंगे यानी नोट पैड के मेन्यू जितने भी हैं ठीक है आप जो उन्हें ओपन करना चाहो गाइस बिग चीज यस यस पल्लवी टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड सर एक क्वेरी था जो रिस्टोर मेनू में वो क्या करता है जो तो देखो पल्लवी रिस्टोर मतलब क्या अच्छा स्टोर मतलब क्या ये बताओ पहले स्टोर मतलब कहीं पे सेव करना सेव सेव यानी व्हाट यू कैन से स्टोर का कैसे एक्सप्लेन करूं सर मैं आपको बताओ जो भी पता है स्टोर यानी कहीं पे एक साथ करके रखना जैसे हम स्टोरेज करके रखना, में स्टोर जमा करके रखना यस हाँ. तो वो जमा करके रखना मतलब रिस्टोर करना ओके स्टोर करना यस हाँ. तो अब रीस्टोर तो डिस्ट्रीब्यूट करना ना री डिलीट करना उसको खाली कर देना उस जगह को अच्छा जी वेट वेट डियर वेट एक 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 वक्त पर एक ही बोलेगा ओके सो यस क्या नाम है इनका पल्लवी जी ठीक है हाँ. तो हम जब स्टार्ट शाम स्क्रीन स्टॉप शेयर करो फिलहाल यस ओके या सो यस ऑलराइट सो देखो पल्लवी जी जैसे हम कहते हैं ना स्टार्ट करने के लिए सिर्फ स्टार्ट करना कहते हैं और रीस्टार्ट जैसे हम कहते हैं रीस्टार्ट का मतलब क्या होगा फिर वापस से स्टार्ट करना इसी तरह रिस्टोर का मतलब है वापस से स्टोर करना किसी चीज को देखिए अभी आपने एक फाइल मान लो आपने कोई फाइल डिलीट कर दी ठीक है हाँ. मतलब आपने कोई फाइल रिसाइकल बिन में डाल दी हाँ. ओके और उस फाइल को आपको वापस रिस्टोर करना है ओके तो आप क्या करोगे रिसाइकल बिन में जाओगे तो रिसाइकल बिन में वो फाइल्स जो है 90 डेज तक पड़ी रहती है मतलब आप जो भी फाइल डिलीट करोगे ठीक है परमानेंटली डिलीट की होगी तो परमानेंटली आपके पीसी से उड़ जाएगी लेकिन अगर सिर्फ डिलीट की यूज करके अगर डिलीट की होगी तो वो आपकी कहाँ जाएगी रिसाइकल बिन में जाएगी यस ठीक है तो रिसाइकल बिन से अगर आपको वो जरूरत पड़ती है उस पर्टिकुलर टाइम डेडलाइन के अंदर कि आप चाहते हो कि वो फाइल वापस आपके आपने जहाँ पे सेव की थी वहाँ आ जाए तो आपको क्या करना है सिंपली आप रिसाइकल बिन में जा सकती है वहाँ पे आपको वो सारी फाइल्स मिलेंगी जो आपने कचरा समझ कर फेंक दी थी ठीक है जैसे हमें होता है ना कुछ अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम अगर कचरे में डाल दें गलती से तो अगर वो हमें चाहिए तो हम कैसे क्या करेंगे हम कचरे के अंदर जाएं मतलब कचरे के अंदर उसको ढूंढेंगे राइट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ढूंढ के निकालेंगे हाँ ठीक है तो इसी तरह सेम ठीक है अगर आपको कोई फाइल रिस्टोर करनी है वापस स्टोर करनी है रिसाइकल बिन से रिसाइकल बिन कंप्यूटर का क्या है कचरा पेटी है हाँ. Yes. Yes. सर उधर तक समझ में आया कि रिसाइकल बिन से वी कैन रिस्टोर पर ये ओपन फाइल है ओपन जब होगी तब भी हम रिस्टोर कर सकते हैं क्या फिर जो हम रिसाइकल बिन से कर दे क्योंकि जब हम फाइल का लोकेशन जब किसी भी ओपन फाइल का देखते हैं तो इट इज डिफरेंट बट मैंने रिस्टोर दबाया वो फाइल को तो वो वापस पहले से जहाँ से मैंने मूव किया वहाँ पे जाएगी क्या ओपन अगर रहेगी तो फाइल मेरा ये क्वेश्चन था हाँ तो मैं वही कह रहा था कि जब आप फाइल रिस्टोर करोगे मान लो कि आपने अगर डॉक्यूमेंट्स से वो फाइल डिलीट कर दी या फिर मान लो डी कॉलन से डिलीट कर दी ठीक है तो जब आप उसको वापस रिस्टोर करेंगे तो वही पे वो आएगी जहाँ पे आपने सेव की थी पहले सर फाइल ओपन रहेगी तो ये प्रोसेस होता है कि ये मुझे पूछना था
अगर मेरा कोई भी फाइल ओपन है और मैं ओपन फाइल में रिस्टोर का दबाती हूँ बटन, तो इज इट चेंज इट लोकेशन इन द व्हाइल इट इज प्रोसेसिंग ऑन द ऑन योर अवर डेस्कटॉप, इज इट पॉसिबल? नो, आपको वो फाइल वहीं पे आएगी जहाँ पे आपने सेव की थी, लेकिन वो आपको आपका लोकेशन वो बाय डिफॉल्ट चेंज नहीं करेगा, ठीक है? आपको फिर वो नोटपैड में नहीं सर, मेरा क्वेश्चन वैसा नहीं था, मेरा फाइल अगर ओपन है तो ओपन स्टेज में मैं उसको रिस्टोर कर सकती हूँ क्या? सुनिए ना पल्लवी, हाँ फाइल ओपन है, नोटपैड तो मेरा भी ओपन है, हाँ यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रिस्टोर का ऑप्शन है, बट वो क्या दिखा रहा है, अनअवेलेबल दिखा रहा है, अनअवेलेबल, कोई हमने सेटिंग की नहीं है उसके अंदर, ना तो फॉन्ट बड़ा किया है, ना तो कुछ किया है, सब कुछ नॉर्मल है, ना तो कट कॉपी पेस्ट किया है, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ लिखा भी नहीं है ना, हाँ होता अगर उसको रिस्टोर कर देते तो पूरा ब्लैंक हो जाता, जो भी हमने फॉन्ट की सेटिंग की है सब चली जाती, वो सब नॉर्मल हो जाता एकदम, ओके वो इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, वी कैन से ओपन केस वाला, ओके सर नाउ आई गॉट इट, आई वाज कंपेयरिंग दोस ऑप्शन विद द रिसाइकल बिन वाला रिस्टोर के साथ, वो अलग है ये अलग है, ठीक है, रिस्टोर यानी दोबारा उसको रिसेट करना, यानी जो मोबाइल होता है परमिट करना, वी कैन से मोबाइल को रिसेट करते हैं ना, वैसे टेंपरेरी बेस पे नोटपैड में ऑप्शन है रिस्टोर, पूरा फॉर्मेट नहीं होता नोटपैड, बट नॉर्मली ये रिस्टोर हो जाता है, कुछ सब चले जाते हैं इनिशियल स्टेज में आ जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, हां ब्लैंक नोटपैड हो जाएगा वो, ठीक है, ओके सर गॉट इट, यस यस सर, थैंक यू, यस पाशा सर, सब कुछ सारा समझ आ गया मुझे, एक थोड़ी सी दिक्कत ये है कि श्याम सर जो बता रहे हैं उनकी आवाज मतलब थोड़ी सी रिपीट हो रही है, मतलब इको हो रही है डबल, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ एक्चुअली वो हम लोग पास में बैठे हैं, लेकिन कल से हम लोग थोड़ा सा अलग अलग बैठेंगे, मतलब उनकी आवाज अलग से अलग आ रही है और सिस्टम से अलग आ रही है, मतलब जैसे इको होती है ना माइक में उस तरह से, राइट वो थोड़ा सा रहेगा क्योंकि हम लोग, मैं अभी म्यूट हूँ, मैं अभी अनम्यूट हूँ, राइट, तो उसके चक्कर में वो फिर हो सकता है, लेकिन अगर मैं म्यूट हो गया तो फिर उनकी आवाज साफ साफ आ जाएगी, यस बुलबुल बोलो, ऑल राइट गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम, यस सॉरी सर, हाँ आई वाज म्यूट सर, हाउ टू ओपन मेन्यू, आपको अभी नहीं बताया ना श्याम सर ने कि अल्ट की प्रेस करनी है आपको, तो आपका अल्ट मेन्यू खुल जाएगा, ओके सर, ठीक है, यस गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम, गैलेक्सी ऑन 7 प्राइम कौन है? एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए सर, सॉरी सर, वो मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम लैपटॉप में आज ज्वाइन किया है, तो मेरा रेज हैंड ट्राई कर रही थी सर, हो नहीं रहा था, तो नहीं वैसे नहीं, आपको रेज हैंड के लिए ऑल्ट वाई यूज करना है, ऑल्ट वाई और सेम की दो, रेज हैंड के लिए ऑल्ट वाई और लोअर हैंड के लिए भी वही की यूज करनी है, और म्यूट अनम्यूट के लिए ऑल्ट ए यूज करना है, ओके थैंक यू सर। कुछ क्वेरीज है? नो सर। ओके हेमंत शर्मा हो क्या? हैप्पी शर्मा नाम से ज्वाइन हुए हो? सर बस मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे सर अभी जो अपन नोटपैड पे कुछ अगर कुछ लिख के हमने रिस्टोर किया, तो जैसे अपने एमएस वर्ड पे जो होता है क्लियर फॉर्मेटिंग वैसा हो जाता है या फिर कुछ बचता है? बिल्कुल हाँ, क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, वो जैसा पहले था वैसे ही दिखता है, वही है, ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है, यस पुष्पेंद्र सर, आवाज आ रही है मेरी? यस कौन है बाय द वे? सर साजिदा सर, रीनेम करना भूल गई थी, सॉरी सर, अच्छा कोई नहीं, रुको साजिदा एक मिनट, पुष्पेंद्र बोलो, यस सर, हाँ सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे रिसाइकल बिन के भी बात हुई थी बीच में ना,
हाँ जी, तो हमने कोई चीज डिलीट की तो वो कितने समय तक रिसाइकल बिन में रहती है, या हम उसको रिस्टोर कितने टाइम तक कर सकते हैं? मतलब कि जैसे मैंने आज कोई बुक कोई एक फाइल डिलीट की, तो आज के बाद वो कितने दिन तक मेरे डिलीट किए जाने से 90 डेज तक, 3 महीनों तक। ओके सर, जैसे हमारे ईमेल नहीं होते, मतलब ईमेल जैसे होते हैं ना, ईमेल जब हम डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश में कब तक रहते हैं? 3 महीनों तक रहते हैं। ये तो वैसे ही रहता है इसका भी। सर कौन से ऑप्शन में रहते हैं, कौन से में? वो जो भी आप फाइल डिलीट करते हो अगर परमानेंट नहीं सर, हाँ सर वो तो मैं समझ गया सर, मेल वाला वो ट्रैश में या स्पैम में रहेंगे? स्पैम में नहीं, ट्रैश में ही रहेंगे। हाँ सर, देता है ट्रैश मेल इतने, वो दिखाता है हाँ, जो हम चेक करते हैं तो। राइट, तो ट्रैश मतलब ऐसे मेल जो आपने डिलीट किए हैं, ठीक है, मतलब जो आपने इनबॉक्स से डिलीट किए लेकिन वो वहाँ पे रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसको आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो वहाँ से। सर ऐसा गूगल ड्राइव पर भी होता है, लेकिन गूगल ड्राइव पर ना जैसे मैंने कोई चीज़ डिलीट की है, ये सर सॉरी सर थोड़ा टॉपिक से बाहर है, लेकिन जब मेल की बात आई तो इसलिए मेरे मन में आया कि पूछ लेना चाहिए। तो सर ड्राइव से जब हम कोई भी चीज़ रिमूव करते हैं तो वो उसको ना अंडू का विकल्प भी देता है वहाँ पे, तो यदि हमें जैसे मान लीजिए एक बार अंडू का विकल्प उसने दिया, मैंने ड्राइव क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद उसमें कहाँ पे जाके देखूंगा यदि देखना चाहूँ तो, चेक करना चाहूँ तो, वापस लेना चाहूँ तो? कोई नहीं, वहाँ पे एक ये भी होता है, ठीक है, वहाँ पे एक नेविगेशन ड्रॉअर का मेन्यू होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो सारे फोल्डर्स, ट्रैश, स्पैम, बिंग, ठीक है, ये सारे आप वहाँ पे देख सकते हो। जब हम ड्राइव सीखेंगे नहीं सर, वहाँ पे देख तो सकते हैं लेकिन वो अच्छा ओके ओके सर ओके, क्योंकि ड्राइव एक पूरा अलग टॉपिक है दोस्त। ओके सर, नो प्रॉब्लम, इसके लिए फिर और वक्त देना पड़ेगा और वो फिर सबके लिए सही नहीं होगा। यस, रोहित। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर, मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है आज की? क्योंकि सर मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था और क्या नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है इसमें, आपकी ब्रेक आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है इसलिए। तो देखिए हर दिन की रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करते हैं, कुछ दिनों से हमने की नहीं है, तो कल तक सारे रिकॉर्डिंग आपके अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी सेशन नहीं है जिसकी रिकॉर्डिंग हम अपलोड नहीं करने वाले, सारे सेशन की रिकॉर्डिंग हम अपलोड करेंगे, ठीक है। आप ड्राइव पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, ये ड्राइव पर लिंक मिल जाएगा सर जी, उस आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो लिंक। हाँ ठीक है सर जी, थैंक यू। यस आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। ओके, मुझे कुछ पूछना है आप सबसे, ठीक है, वो ये ओके, तो मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो ये कि यस मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा अब शाब सर ने आपसे सब मेन्यू की बात की थी बीच में, ठीक है, जब वो आपको कुछ दिखा रहे थे, ठीक है, तो आपसे सर ने क्या कहा था, सब मेन्यू की बात की थी। अच्छा तो सब मेन्यू कितने लोग जानते हैं? अच्छा वो तो छोड़ो, कितने लोग नहीं जानते सब मेन्यू क्या होता है? अपने अपने हाथ ऊपर करें, कितने लोग नहीं जानते? ओके सृष्टि, हाँ हाँ, 2-3, ओके गुड, सुपर कूल, ओके 5-6, ओके गुड, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, आप अपने अपने हाथ नीचे कर सकते हो, ओके यस। यस ऑलराइट ऑलराइट, सो अभी ऐसे कितने लोग हैं जो सब मेन्यू का मतलब समझते हैं? अपने अपने हाथ रेज करें, 2, ओके 3, हाँ हाँ 4, गुड यस ऑलराइट फाइन, ठीक है। अच्छा किसने बात नहीं की है पहले मैं वो ढूंढता हूँ, काजिम ने बात की है, यस प्रणव
Yes, Pranav. Am I audible, sir? Yes, you are. Go ahead. सर सब मेन्यू मतलब जो श्याम सर ने बताया कि सब मेन्यू जो नोटपैड में मतलब उसमें बहुत ही मेन्यू होते हैं जैसे कि एक ही मतलब एक ही इसमें मेन्यू में ओके ऑलराइट ठीक है यस प्रणव थैंक यू प्रणव निष्ठा सर मेन्यू में ये सारे ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और सबको हमने ऑप्शन देखा था जूम तो जूम के लिए उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे जूम इन और जूम आउट तो वो सब मेन्यू में आया ओके okay. नहीं मैं ये पूछ रहा था कि सब मेन्यू और मेन्यू इनमें क्या फर्क होता है ये मैं जानना चाह रहा था बेसिकली वो उसका सब पार्ट होता है मतलब मेन्यू ए जब अपन पीसेस कर ले तो वो सब मेन्यू होगा ओके ऑलराइट यस निष्ठा थैंक यू यस ख्याति आप बताओ सर मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आया क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू था तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी लेकिन जितना मुझे समझ में आया वो ये है कि जैसे किसी भी फाइल में अंदर मेन्यू होता है तो उसके अंदर जो क्या बोल सकते हैं उसको उसके अंदर के जो ऑप्शंस होते हैं शायद वही सब मेन्यू है यस परफेक्ट जो अभी निष्ठा ने कहा वही बात है ठीक है थैंक यू ख्याति ओके यस पल्लवी जी सही है अपनी बात रखें सर मेनू यानी जो मेन जैसे फाइल दे दैट इज द मेनू और फाइल से रिलेटेड जो भी उसका काम रहेगा जैसे ओपन क्लोज और उसके अंदर जो भी मेनू मिलेंगे दैट इज सब मेनू नो डियर थोड़ा सा गलत हो रहा है ठीक है थोड़ा सा यस मेनू यानी जो मेन ऑप्शन है उसके अंदर जो हम ओपन करके ऑप्शन ओपन करते हैं उनको सब मेनू बोलते हैं नॉट ऑलराइट स्टिल नॉट एग्जैक्टली क्लियर ओके सो डोंट वरी ओके वी आर देयर टू हेल्प यू ओके यस साजिदा सर आई एम ऑडिबल हेलो यस यू आर यस सर जैसे सब मेन्यू होता है गूगल सब मेन्यू सिस्टम सब मेन्यू जैसे हमारे फोन में भी शो करता है तो सब मेन्यू का मतलब होता है उसमें हमें जो भी ऑप्शन अपना जाके खोजना होता है तो उसमें वहाँ पे जाके अनाउंस करता है गूगल सब मेन्यू सिस्टम सब मेन्यू तो उसमें हमें सब कुछ वहीं पे शो करता है मे बी यही है सर मेरा ओके okay, ठीक है यस थैंक यू प्रथमेश यस प्रथमेश बोलो हेलो यस प्रथमेश बोलो सब मेन्यू मीन्स सर एक 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 मेन्यू जो होता है मतलब सिस्टम सब मेन्यू जैसे एक फोल्डर टाइप है मतलब एक कौन सा भी एक फोल्डर है उसमें अंदर और अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं ओके ऑलराइट ठीक है हां सर ठीक है थैंक यू रमेश वेलकम सर यस ओके लास्ट टू शेयरिंग्स लेंगे पहले मोहम्मद अशरफ और बाद में बोलेंगी हमारी राधिका आहूजा यस सर मेनू का मतलब होता है जैसे कि हम जब किसी भी चीज़ पर जैसे नेविगेशन करते हैं जैसे कि हमने राइट जैसे अभी आपने बताया कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ नेविगेशन कर रहे थे तो वो होता है मेन्यू और जब हम उसके अंदर के फोल्डर उसके अंदर के चीज़ को देखते हैं तो होता है सब मेन्यू ऑल राइट ठीक राधिका थैंक यू सर लास्ट शेयरिंग यस सर सब मेन्यू होता है सबसे पहले तो सब मेन्यू में राइट करते हैं देन सर नेक्स्ट थिंग ये कि सब मेन्यू होता है
उसके अंदर बहुत सारे फाइल मतलब जैसे ऑप्शंस होती है जिसके कारण हम अप डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। ऑलराइट ओके गाइस, सो बाकी के लोग अपने हाथ नीचे कर सकते हैं क्योंकि बाकी लोगों को हमने पहले ही सर यस मैं बताऊं व्हाट इज दिस सर मेन्यू काजिम कोश मैंने हाथ ऊपर किया था फिर बाद में लोअर किया यस एक्चुअली काजिम मैंने आपको इसीलिए नहीं पूछा कि आपने पहले बोला था मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया था तो जो हमारे नए साथी हैं उनको मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा बोले हमारे साथ ठीक है क्योंकि इनमें से काफी लोग ऐसे हैं अब तक जिन्होंने बात ही नहीं की हमारे साथ जब से कोर्स ज्वाइन किए हैं ठीक है तो मैं हमेशा ऐसे ही सर्च में रहता हूँ कि भाई जिन्होंने बात नहीं की वो लोग भी कुछ कहें वो लोग भी अपने विचार रखें तो मतलब सब सीख जाएंगे है ना यस सो ऑलराइट गाइस सो मेन्यू और सब मेन्यू में अंतर क्या है ये अब हम आपको बताएंगे ऑलराइट अच्छा आप जब होटल में जाते हो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो ठीक है एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ अभी ओके आप जब किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो अगर बड़ा रेस्टोरेंट होगा ठीक है या हेलो ऑलराइट ठीक यस सर यस ठीक है डोंट वरी somebody was muted somebody was unmuted that's why all right ठीक है सो जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो ठीक है और तो जाते ही आप क्या पूछ लोगे अगर बड़ा रेस्टोरेंट रहेगा वहां पे बहुत सारे आइटम्स अगर मिलते रहेंगे तो आपके टेबल पे एक मेन्यू कार्ड लेके आते हैं वेटर ठीक है मेन्यू कार्ड ठीक है तो उस मेन्यू कार्ड में क्या होता है अगर मान लो कि अलग अलग कैटेगरीज हैं ठीक है वो मतलब उस पर्टिकुलर होटल में जो जो मिलता है उन सभी चीज़ों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं ठीक है कैटेगरीज की लिस्ट होती है पहले तो ठीक है और उन कैटेगरीज के लिस्ट के सामने उसके अंदर जो जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो सब रहती है जैसे कि अगर मान लो ठीक है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो ठीक है तो आप जब मेन्यू कार्ड लोगे तो मान लो कि उसमें चार कैटेगरीज है ठीक है एक वेजिटेरियन दूसरी नॉन वेजिटेरियन तीसरा होगा आपका डेजर्ट में ठीक है और चौथा होगा कुछ और ठीक है तो आप देखिए अभी पहली कैटेगरी मान लो अगर आप मैं जस्ट एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है तो पहली कैटेगरी आप अगर मान लो कि नॉन वेजिटेरियन की है ठीक है तो नॉन वेजिटेरियन में जितने भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होंगे वो सब आपको शो करेंगे ठीक है और उसमें भी अगर मान लो कि ऐसे समझ लो कि चिकन बिरयानी आइटम्स है ठीक है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सब आइटम्स होते ही हैं ठीक है जैसे कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ रहता ही है ठीक है अगर मान लो कि यूं कहें कि अगर मान लो आप सब अलग अलग स्टेट से हो ठीक है मैं अपनी बात करता हूँ मैं महाराष्ट्र से हूँ ठीक है तो महाराष्ट्र क्या हुआ महाराष्ट्र एक पहले तो इंडिया एक क्या है इंडिया एक स्टेट है ठीक है तो इंडिया के सब पार्ट्स क्या है उसके स्टेट्स है इंडिया में जितने स्टेट्स है वो क्या हुए इंडिया के सब पार्ट्स इजंट इट और महाराष्ट्र उन्हीं में से एक है तो महाराष्ट्र का अगर मैं महाराष्ट्र में जाऊंगा तो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो महाराष्ट्र के सब पार्ट्स हैं ठीक है तो महाराष्ट्र के सब पार्ट्स मतलब सब मेन्यू ठीक है अगर महाराष्ट्र की लिस्ट खोलोगे आप महाराष्ट्र सब मेन्यू ऐसा अगर खोलोगे तो उसमें जितने भी महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब आपको दिखाएगा ठीक है अगर मान लो कि डिस्ट्रिक्ट्स कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट आपने उनमें से खोला तो उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तहसील क्या कहेंगे उसे हिंदी में सॉरी हाँ तहसील ही कहते हैं ना मेरे ख्याल से श्याम राइट हाँ तो तहसील मतलब जो छोटे से टाउन्स होते हैं जहाँ पे यस तो तहसील मतलब बेसिकली एक छोटा शहर ओके नॉट एग्जैक्टली ज़िला बट उससे छोटा थोड़ा सा ठीक है
इट्स अ टाउन सिटी बेसिकली. ओके, तो तहसील का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, मैं अगर सही समझ रहा हूँ तो. ठीक है, हाँ बराबर, तो तहसील ही कहते हैं हिंदी में भी शायद, श्याम मुझे बता रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, यस सर, यस. हाँ, तो अगर तहसील का सब मेन्यू खोलेंगे किसी एक पर्टिकुलर तहसील का, अगर मान लो मैं पूना में रहता हूँ और पूना में हवेली नाम से एक तहसील है, ठीक है, तो हवेली के अंदर मैं अगर हवेली का ऑप्शन खोलूँगा तो हवेली में जितने भी फिर हवेली के जितने भी सब पार्ट्स हैं वो सारे विलेजेस आपको वहाँ दिखाई देंगे. ठीक है, क्लियर है सब मेन्यू और मेन्यू क्या होता है? सब पार्ट्स बेसिकली. सब मेन्यू मीन्स सब पार्ट्स. यस सर, क्लियर. यस सर, क्लियर. ठीक है, थैंक यू दोस्तों. म्यूट, अभी आप म्यूट कर सकते हो. ठीक है, अभी ये होता है हमारा सब मेन्यू. ठीक है, तो एक्चुअली मैं ये इसीलिए यहाँ पे इसलिए मैंने समझाया क्योंकि हो सकता था कि कुछ मतलब किसी किसी के दिल में ये क्वेश्चन आ सकता था कि सब मेन्यू अब तक क्यों नहीं समझाया, इसलिए मैंने वो समझा दिया यहीं पे. ठीक है, सो सब मेन्यू क्या होता है, उसके कैसे नेविगेट करना है वो हम एप्लीकेशन मेन्यू में देखेंगे. ओवर टू मिश्रा जी. शाम कंटिन्यू. अनम्यूट. मेरी आवाज़ आ रही सबको? यस यस. अभी हमने इसमें छोटा सा सब मेन्यू देखा था, ठीक है, जूम सब मेन्यू. बस आप लोग तो मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, तो आपको पता होगा मोबाइल में भी सब मेन्यू होता है, तो वहाँ पे आप पुष्पेंद्र वी विल अलाउ यू टू स्पीक. ओके, डबल टैप करके आप बाद में उसके और उसके जो संबंधित जो विकल्प है, यानी संबंधित विकल्प रिलेटेड मेन्यू जिसको बोलते हैं ना, जिसको सब मेन्यू में जो और भी ऑप्शन होते हैं जिसको हम संबंधित विकल्प भी कहेंगे. ठीक है, विकल्प संबंधित विकल्प. ठीक है, तो कोई मेन्यू है तो उससे रिलेटेड जो सब मेन्यू है, मतलब सब मेन्यू में उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होंगे तो उसके अंदर होंगे. ठीक है, तो जिस तरह से हर एप्लीकेशन मेन्यू का अपना एक अलग अलग सब मेन्यू होता है, जिस तरह से अगर आप एक्सप्लोर करोगे, अगर आप नेविगेट करोगे, तो आपको तो पहले ही मैंने आपसे जिक्र किया कि सब मेन्यू आपको इस तरह से नेविगेट करना चाहिए, राइट एरो करके बाद में आप अप डाउन एरो से सब मेन्यू नेविगेट कर सकते हैं. ठीक है, हमने नोटपैड में देखा था जूम सब मेन्यू. एक एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर मैं अपनी जो स्क्रीन है वो शेयर कर रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग को जो भी मैं कृति करूँ वो पता चले. मीटिंग कंट्रोल्स. मेरे जॉब की आवाज़ आप लोग को आ रही होगी. टाइटल इज मीटिंग कंट्रोल्स. तो अभी हम चलते हैं पुराने फाइल पे हमारे नोटपैड में. Untitled-notepad. Edit. तो इसमें हमने देखा था सब मेन्यू. ठीक है, तो हम मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ. मेन्यू बार फाइल F. अब मैं लेफ्ट म्यूट कीजिएगा गाइस. म्यूट है गाइस, इसको म्यूट कीजिएगा. Participants can now see your screen. Thank you. तो मैं राइट एरो कर रहा हूँ अभी. Edit E. Format O. View V. Help H. View V. Menu View Menu Zoom Sub Menu Z. देखिए, View Menu में है Zoom Sub Menu. अबे Zoom यानी क्या? Zoom का मतलब ही है कि कुछ, जैसे हम कैमरा में Zoom करते हैं ना, बड़ा होता है ऐसा, कुछ तस्वीरें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं. और गाइस बोलना है क्या जिसने अनम्यूट किया है? ओके, कूल. तो कैमरा में हमने देखा कोई हमारा कैमरा जानबूझ के कोई कर रहा है, क्या कर रहा है, म्यूट भी कर रहा है, बाद में अनम्यूट भी कर रहा है, ऐसा मत कीजिएगा गाइस, ताकि आप लोग कोई डिस्टर्बेंस होंगे बाद में. ठीक है, आप लोग कोई समझ में नहीं आएगा फिर, तो ऐसा मत कीजिएगा. अगर कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके बोलिएगा, नहीं बोलना है तो फिर म्यूट रखिएगा खुद को. ओके, हाँ हाँ, यस गाइस. तो जूम सब मेन्यू है. ठीक है, तो जूम सब मेन्यू बोले तो क्या, जूम तो एक मेन्यू है. ठीक है, तो उसके अंदर सब मेन्यू है. तो जूम सब मेन्यू यानी उसके रिलेटेड जूम इन, जूम आउट. ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो मेन्यू होंगे ना, वो सब मेन्यू होंगे आपके. अगर कोई समझो, अगर एडिट सब मेन्यू ले लो फॉर एग्जाम्पल. हाँ गाइस,
एग्जांपल ले लो, एडिट सब मेन्यू होता अगर आपके सामने, कोई आप ऑडियो फाइल, ऑडियो एक सॉफ्टवेयर है समझो मेरे पास, मेन्यू तो उसी तरीके से नेविगेट होगा वो, ठीक है, लेफ्ट राइट और उसे ऑल्ट की प्रेस करके, वहाँ पे होगा एडिट सब मेन्यू और इफेक्ट सब मेन्यू, ऐसे दो ऑप्शन होंगे। तो इफेक्ट में क्या होता है, कौन से साउंड आएंगे वो आपको सब मेन्यू ओपन करने पे इफेक्ट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी साउंड मिल जाएगा। और एडिट में क्या क्या आएगा आपका, एडिट में आएगा आपका कट, कॉपी, पेस्ट, जॉइंट, मिक्स, ये सारा आपका एडिट में आएगा, ठीक है। तो एडिट सब मेन्यू यानी डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो सब मेन्यू यानी बोले तो संबंधित विकल्प से संबंधित विकल्प, यानी सब मेन्यू, ठीक है। आई होप आपको सब मेन्यू का कंसेप्ट फायर सर ने भी आपको ठीक तरीके से समझाया होगा। तो उसके अंदर जूम सब मेन्यू है, तो जूम सब मेन्यू में आपको कल्पना होगी कि क्या क्या आएगा उसके अंदर। अगर नहीं कल्पना है तो बस एक बार राइट एरो कीजिएगा, जूम इन कंट्रोल प्लस प्लस आई, जूम इन डाउन एरो, जूम आउट कंट्रोल प्लस माइनस ओ, क्योंकि मेरा राइट एरो करने से सब मेन्यू खुल गया, मैं डाउन एरो कर रहा हूं। रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कंट्रोल प्लस 0 आर, रिस्टोर डिफॉल्ट जूम यानी जो भी मैंने बड़ा किया या छोटा किया है उसको रिस्टोर कर सकते हैं हम। जूम इन कंट्रोल प्लस प्लस आई, यही ऑप्शन है, ठीक है। इसको बंद करना है तो राइट एरो, सॉरी लेफ्ट एरो, जूम सब मेन्यू जी, समझ में आ गया होगा गाइस सब मेन्यू का मतलब क्या है, ठीक है। ओके गाइस, तो सब मेन्यू का मतलब यही है कि कोई विकल्प है उससे संबंधित कोई विकल्प है। अगर मैंने जैसे आपको ऑडियो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एडिट है, एडिट सब मेन्यू होगा तो उसके अंदर फिर एडिट के सारे ऑप्शन होंगे, कट, कॉपी, पेस्ट, जॉइंट, हाँ। इफेक्ट का होगा तो उसके अंदर इफेक्ट से संबंधित कोई सारे मेन्यूज होंगे, इको, ठीक है, बाद में जो भी आपको करना होगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे रिलेटेड सब मेन्यू होगा। ये आपको गाइस एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन आपके सामने हैं, जॉज हुआ, एनवीडीए होगा, जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, एनवीडीए देखेंगे, जॉज देखेंगे, तो आपको और भी अच्छे तरीके से सब मेन्यू का जो सिक्वेंस है, कंसेप्ट है, वो आपको और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब मेन्यू अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। escape, bar, edit. एक लास्ट ऑप्शन बचा इस टॉपिक का, 7:03 PM. वो था मेरा, हम नोटपैड में गए थे और अपने एडिट मेन्यू में देखा था इंसर्ट टाइम, ठीक है। ये लास्ट ऑप्शन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको दिखाना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। नोटपैड में अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन होता है कि सर टाइम बेसिकली इंसर्ट होता कहाँ है, तो जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं पर आपका टाइम इंसर्ट होगा, ठीक है। अगर आप टाइप कर रहे हो कुछ डेटा, अगर आप डाउन एरो करके बहुत नीचे लेके गए तो आपका, अगर नीचे आपने F5 कर दिया तो आपका नीचे कर सर टाइम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा तो नोटपैड में कुछ है नहीं, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं ऊपर ही है, नोटपैड मेरा ब्लैंक है। अगर मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ, F5, देखिए मेरा इंसर्ट हो गया टाइम एंड डेट, 7:03 PM 14/09/2021, ठीक है। अब मैं डाउन एरो करता हूँ, एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, H I I E V E R Y M E O N E 1 I A M M H Y A M Shyam M I S H R A Mishra I W O U L D Wood L I K E Like T O 2 O R K Work O N On T A E C O K K M-P-U-T-E-R. Okay, मैंने लिखा है, हाय, I am Shyam Mishra. Computer, period. I would like to work on the computer. Enter करता हूँ मैं. Enter. Guys, please mute रखिएगा, guys. कौन पास में क्या कहते हैं? इसने mute किया, guys. From Fristy Raj to everyone, colon, very disturbing, sir. देखिए, disturb हो रहा है कि नहीं, guys? एक के वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है गाइस, प्लीज 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 आपको ओके okay, अभी इसके बाद जो रूल फॉलो नहीं करेगा उसको सीधे रिमूव किया जाएगा मीटिंग से, रिमूव कर दिया जाएगा मीटिंग से, आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो भी बिना वार्निंग। हेलो सर, यस सर, जैसे आप बोल रहे ना अनम्यूट करके सर, कुछ टाइप कर रहा था तो आपकी टॉकबैक की आवाज नहीं सुनाई दे रही सर यहां पे, फिर अनम्यूट करके टॉकबैक की आवाज सुनाई दे रही सर, ऐसा नहीं होता दोस्त,
आप वापस रिकनेक्ट करो, आप वापस रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो, आप ऐसे अगर अनम्यूट करोगे बार बार तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा मीटिंग से। टॉकबैक के बाद से सुना दी जाएगी सर। रिमूव, आप वापस रिकनेक्ट करो, अनम्यूट करो खुद को। यस गो अहेड श्याम। मैंने लिखा ठीक है, हाय आई एम श्याम मिश्रा, अब मैं एंटर कर रहा हूँ वापस। एंटर। अभी मैं यहाँ पे वापस टाइम इंसर्ट कर रहा हूँ। F5। देखो मेरा टाइम इंसर्ट हो गया। अब चेक करते हैं गाइस मैंने क्या किया है। Top of file 7:03 PM 14/09/2021। ये देखिए मेरा डेट एंड टाइम दोनों इंसर्ट हो गया। डाउन एरो कर रहा हूँ। Hi everyone, I am Shyam Mishra. I would like to work on the computer. ठीक है, वापस मैं डाउन एरो कर रहा हूँ। Blank. Blank. 7:06 PM 14/09/2021. ये देखिए, यहाँ टाइम इंसर्ट हो गया। यदि नोटपैड में टाइम का टाइम डेट इसलिए दिया होता है कि आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं ना, तो अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया तो आप ऊपर भी टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। काम खत्म होने के बाद आपका आप वहाँ पर भी टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा वर्ड में भी ऑप्शन होता है, वो हम आगे देखेंगे वर्ड के टाइम पे। बट ये नोटपैड में मैंने आपको इंसर्ट करना मैं ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है गाइस, तो गाइस ऑल ओवर तो ये नोटपैड का टॉपिक मोस्टली ख़त्म हो चुका है गाइस। ठीक है, बस एक छोटा सा है वो आपको दिखाने रह गया है। अभी जो एप्लीकेशन कीज होती है ना गाइस, जो भी हमारे एप्लीकेशन मेन्यू हम ओपन करते हैं ठीक है, अभी फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, जब आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो पूरा एप्लीकेशन का जितना भी डिटेल्स है, जितना भी मेन्यू है वो दिखाई देगा। पर जब हम एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे तो डिटेल्स नहीं आएंगे, सिर्फ बेसिकली एक शॉर्ट रिव्यू, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कंप्यूटर अपने आप में फास्ट वर्क करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसमें हर चीज़ डबल डबल होती है एस्केप की छोड़ के, ठीक है, और वो F1, F2, F3 बटन छोड़ के हर चीज़ उसमें दो दो होती हैं। ठीक है, डबल डबल होती है। ठीक है गाइस, तो एप्लीकेशन मेन्यू है, उसके हम जो कॉन्टैक्ट मेन्यू है जिसको एप्लीकेशन की प्रेस करने के बाद आता है, लैपटॉप में शिफ्ट F10 प्रेस करते हैं, अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड में आपको एप्लीकेशन की है तो आप एप्लीकेशन मेन्यू प्रेस करके आप जा सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन की प्रेस कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। Applications, context menu, view, undo, view. देखिए यहाँ पर भी है, सिर्फ बेसिक ऑप्शन गाइस उसमें दिए होते हैं। एप्लीकेशन जो कॉन्टैक्ट मेन्यू होते हैं ना, उसमें कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, बेसिक सिर्फ आप लोग को समझ में आए, सिर्फ बेसिक छोटे छोटे ऑप्शन दिए होते हैं। अंडू है, Cut unavailable, T. Cut, देखिए कट एडिट मेन्यू में भी था। Copy unavailable, C. Copy. Paste unavailable, P. Paste. Delete unavailable, D. Delete. Select all, A. Select all, Control A. डिलीट में भी था, सॉरी एडिट मेन्यू में भी था। Right to left reading order, R. यह ऑप्शन उसमें नहीं था, ठीक है। Show Unicode control characters, S. Unicode. Insert Unicode control characters up menu, I. ये भी, ये देखिए, ये भी सब मेन्यू है। ये देखिए, ये भी सब मेन्यू है। ठीक है, इस सब मेन्यू को मुझे ओपन करना है, मैं क्या करूँगा? Right arrow करूँगा। LRM left dash to dash right mark, L. ये देखिए, right mark. RLM right dash to dash left mark, R. Left mark. ZWJ0 width joiner, J. Joiner. ZWNJ0 width non-dash joiner, N. Non-joiner. LRE start of left dash to dash right embedding, E. Embedding. RLE start of right dash to dash left embedding, M. इन आप जान लीजिए गाइस सब मेन्यू किस लिए होता है, ठीक है? Insert Unicode control characters up menu, I. Unicode के जो characters है ना, वो insert करने के लिए left में character insert करना है या आपको right में character insert करना है, उसके सब मेन्यू थे, इसलिए वो left, right ऐसा सब ऑप्शन था। ठीक है गाइस, डाउन एरो करता हूँ। Open I'm O. Open. Reconversion unavailable, R. Reconversion unavailable. Search with Bing dot 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 unavailable, B. ये भी ऑप्शन था। Undo, U. Three participants raised hand. ठीक है गाइस, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। एप्लीकेशन escape, escape. जो कॉन्टैक्ट मेन्यू होता है उसमें से बेसिक एप्लीकेशन का एक छोटा सा एक शॉर्ट रिव्यू होता है, यानी क्या क्या एप्लीकेशन है। आपको सारे ऑप्शन चेक करने, तो आप फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में आप सारे फिर ऑप्शन, जो ऑप्शन चाहिए आपको आप ढूंढ सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ऑल ओवर गाइस टॉपिक तो खत्म हो चुका है इसका, जो नोट पैड का है एप्लीकेशन मेन्यू का। तो आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं गाइस, वेलकम। आपको हाथ ऊपर करने दो। पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। मीटिंग कंट्रोल्स, मीटिंग कंट्रोल्स, फाइव पार्टिसिपेंट्स। शाम स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो। स्टॉप हो चुका है। यस पुष्पेंद्र, यस सर, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे सर हमें जो
किसी भी पेज वगैरह पे ना सर, जैसे एक ऑप्शन होता है ना कि ऑटोमेटिक टाइम सेट अपना आप करने लगे हो, जैसे हमने ओपन किस टाइम किया या हमारा काम शुरू किस टाइम हमने करना शुरू कर, क्लोज किस टाइम किया, सर एक ऑप्शन होता है क्योंकि जो ऑटोमेटिक में सुना था ये बाकी पाता मुझे नहीं है अभी। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपका कि एक्चुअली आपको पूछना क्या है, टाइम का समझ में आया बट आप किससे रिलेटेड पूछ रहे हो वो हमें समझ में नहीं आया। नहीं सर, जैसे हमने F5 की प्रेस करके इसमें टाइम रखा, लेकिन एक होता है कि वो ऑटोमेटिक अपने आप टाइम सेट कर देता है। देखिए टाइम सेट करता है यानी वर्ड में नहीं करेगा, वो वर्ड में तो हमें ऐड करना पड़ेगा टाइम, ठीक है, वो ऑटोमेटिक जो टाइम सेट का है वो उसमें नहीं, आपने पता नहीं कहाँ पे दिखाई ऑप्शन, ये कंट्रोल पैनल में ऑप्शन आता है यानी आप कंप्यूटर का टाइम आपका ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। आप जो भी अगर आप ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट पे जाएंगे तो नेट का रेफरेंस लेगा, नेटवर्क का ये लेके लोकेशन चेक करेगा और आपको ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट सेट कर देगा वो, ठीक है, ये ऑप्शन होता है वो, ठीक है। ऐसा वर्ड में तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ओके सर, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन। वर्ड में कैसे हेडर और फुटर में ना अगर आपने डेट और टाइम अगर डाल के रखा है ऑटो, तो इट विल गेट गिव यू द टाइम एट व्हाट टाइम इट विल स्टार्ट एंड कब ये किया करके, हेडर एंड फुटर में ही डालने का वो डेट एंड टाइम इंसर्ट करके आता है ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ, ये फीचर एक्सेल में भी है। एक्सेल में भी है? यस यस सर, एक्सेल में भी है। उधर से हो सकता है कि वही जहाँ जो टाइम पे आप ओपन है क्लोज कर रहे हो जो भी एक्टिविटी, तो वो फाइनल डेट दे देगा प्रिंट के टाइम पे। यस यस परफेक्ट। ओके ऑलराइट। यस आदित्य। Am I audible? Yes. Good evening, sir. सर मेरा यह क्वेरी है, जो नोटपैड समझाया गया हमें विंडो आर सब फंक्शन समझ प्रैक्टिकली मैंने किया, सर मेरा यह क्वेश्चन है सर, नोटपैड में हम जैसे कोई हम टाइपिंग असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, यदि उसको हम सेव करके पेन ड्राइव में क्या ला सकते हैं उसे? Yes, बिल्कुल ला सकते हैं। सर तो उसके लिए हमें कैसे ओपन जाना है? हमने कुछ टाइपिंग किया, हमने सेव भी कर दिया, तो उसको जाने के लिए हमें अगेन हमें वैसे ही नोटपैड में जाना पड़ेगा पेस्ट के लिए? नहीं, वो आपको सिखाया जाएगा बाद में, ठीक है, जब हम फाइल सेव करने के लिए आपको सिखाएंगे ना, तब सिखाएंगे। हां, जब फाइल फोल्डर मैनेजमेंट सीखेंगे ना, उस मैनेजमेंट से पूरा वो, ठीक है, पूरे एक टाइप की मैनेजमेंट है वो, आपको सिखाई जाएगी। सर सर जो हम कुछ टाइप करते हैं उसको सेव के लिए क्या हमें ऑल्ट एस करना पड़ेगा? हां जी, कंट्रोल एस। ये जो एप्लीकेशन की होता है इसको प्रेस करने से हमारे एप्लीकेशन के मेन्यू आते हैं क्या, ऐसा है? हाँ, बेसिक मेन्यू आ जाते हैं, जो नॉर्मल बेसिक मेन्यू होते थे वो ऐसे सारे नहीं आते, ठीक है, कुछ कुछ एप्लीकेशन में गूगल जैसे ब्राउजर ओपन करोगे तब उसमें टूल्स व्यूज भी होता है, ठीक है, टूल्स ये सब ऑप्शन होते हैं, वो सब नहीं आते, सिर्फ बेसिक ऑप्शन आते हैं, कट कंट्रोल रिज्यूम ये सारे ऑप्शन आते हैं बस, बाकी कुछ इतना नहीं आता। फिर आपने पेन ड्राइव पे आपने कर्सर रखा है तो एप्लीकेशन मेन्यू प्रेस करेंगे तो आपको फिर इजेक्ट जो एप्लीकेशन मेन्यू आपने बताया सर वो तो मतलब ठीक है मुझे समझ आ गया, लेकिन सर वो हम एप्लीकेशन मेन्यू पे कैसे पहुंचेंगे मेरा क्वेश्चन सर। ओके, आपके लैपटॉप को अगर आपके लैपटॉप के लिए अगर आपके लैपटॉप में एप्लीकेशन की नहीं है, ठीक है, या फिर मान लो कि अगर आपके लैपटॉप में वो एप्लीकेशन की नहीं है, ठीक है, तो जिसके लिए आप फिर शिफ्ट F10 इस शॉर्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो, दैट विल वर्क एज योर एप्लीकेशन की।
ओके सर, एक प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप पे है, जैसे कि मैंने कुछ टाइप किया, उसके बाद मुझे कॉपी करना है, कट करना है, तो मैं उसके लिए ना शॉर्टकट कीज का यूज करती हूँ, लेकिन सर वो कट पेस्ट कॉपी ये सर नहीं होता, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। सर सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट हो जाता है लेकिन कट कॉपी पेस्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है फिर। ठीक है, या तो आप जो सिलेक्ट कर रही हो वो एक तो पर्टिकुलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है, तो वो सिलेक्शन हम सिखाएंगे आपको, डोंट वरी। नहीं वो एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों से सी प्रेस नहीं होता कंट्रोल के साथ, वो जस्ट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, पता नहीं जो भी है, लेकिन सर मैंने कई बार करके देखा तो कभी ना कभी तो हो जाना चाहिए था, बट ओके सर जब आप सिखाएंगे तब शायद हम डिटेल में सीखेंगे। यस डोंट वरी, ओके वी आर देयर टू हेल्प यू। यस यस रंजीत कौर कौन है, आई थिंक संत है वो, संत आप ही हो, आप चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो अपने आपको। संत गुड इवनिंग सर। यस हु इज दिस? सर माय नेम इज अमृतपाल सिंह, वो सॉरी मैं कल तक अपना रीनेम कर लूंगा। ओके अमृत, तो सर मैंने ये पूछना था कि नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें डिफरेंस क्या होता है? फर्क बहुत सारा है, वो हम जब वर्ड सीखेंगे ना, या फिर जब हम प्रॉपर एडिटर सीखेंगे, वर्ड एडिटर्स, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जब सीखेंगे तो आपको बताएंगे। बेसिकली होता क्या है, नोट पैड हमारे याद में रखो, जो थर्टेड लोग लिखते हैं नोट पैड कॉपी होती है, ठीक है, रफ रफ, ठीक है, वो नोट पैड होता है, वर्ड तो रफ नहीं होता कभी, वर्ड तो रफ हो ही नहीं सकता, कि वर्ड में तो बहुत सारी काम फीचर्स होते हैं, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है, तो उसी तरह का होता है। देखो नोट पैड बेसिकली क्या है, नोट पैड आपका, नोट पैड आपको टेम्पररी बेसिस पे आपको अगर कुछ नोट्स निकालनी है, ठीक है, आपको बस, आपको बस अभी के लिए मतलब फिलहाल के लिए चाहिए वो नोट्स, ठीक है, और बाद में जब आप उसको किसी डॉक्यूमेंट में डालोगे तो वो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, राइट, रफ नोट, रफ नोट्स, तो आप वहां से यस कर सकते हो। यस सर, ठीक है, तो बस नोट पैड मतलब नोट पैड, इसका मतलब क्या, हम अगर मान लो किसी भी, हमें बस कोई नंबर लिखना है, नंबर लिखवाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक पैड होगा जिसपे हम एक पेज रखेंगे, वो नोट लेंगे और घर जाते ही वो नंबर अपने डायरी में लिख के पेज को फाड़ के फेंक देंगे। यस सर, ठीक है, सो नोट पैड मतलब यहाँ पे हम पेज को फाड़ के नहीं फेंकेंगे, बट यस गाइस, दोज हु डू नॉट हैव द डाउट्स दे कैन एक्चुअली लीव द क्लास। सर सबसे मीटिंग एंड हो जाएगी भाई, ठीक है, किसी को पूछना टॉपिक से रिलेटेड पूछ लीजिएगा। यस ओके अमृत, आपको समझ में आ गया? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। यस थैंक यू, वेट, मोहित, मोहित अशरफ, गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये जानना था कि सर नोट पैड में हम क्या क्या कर सकते हैं? नोट पैड में आप सिर्फ नोट्स निकाल सकते हो दोस्त। ओके सर, ये जो पिछली, हाँ मैंने आपको जो बताया अभी कि आपको सर, अगर कुछ नोट्स निकालने हैं बिल्कुल इमीडिएटली, ठीक है, तो जस्ट आप नोट पैड खोलो, नोट पैड एक सेकंड के अंदर खुल जाता है आपका। ओके सर, ठीक है, तो अगर किसी को कोई आपको बोलता है फटाफट ये डिक्टेशन लो अभी के लिए और बाद में इसका प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाओ, तो आप क्या करोगे, बस आप जो अभी डिक्टेट वो सामने वाला कर रहा है वो फटाफट खटाखट 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 लिख के लोगे, ठीक है, खटाखट टाइप करोगे, नोटपैड में करेंगे और उसके बाद में आप उसको जो भी मैटर होगा उसको विस्तार से आप बाद में प्रिपेयर करेंगे। नोटपैड तो ऐसे ही होता है सर, छोटी सी एप्लीकेशन, जस्ट फॉर कुछ नहीं, नोट टेकिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ नहीं। तो सर वहां पर पैराग्राफ वगैरह नहीं बना सकते? नहीं नहीं, फॉर्मेटिंग ये प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट एडिटर नहीं है दोस्त। ओके सर, और सर आप इवनिंग फोल्डर को अपडेट नहीं कर रहे, उसमें कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं दोस्त 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 दोस्त, हमने इवनिंग के ही नहीं अब तक किसी के फोल्डर्स को अपडेट नहीं किया, क्योंकि मॉर्निंग वाले में तो काफी रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब वो है बट एक हफ्ता हुआ अब तक, मतलब तीन चार दिन में हम लोग अपडेट ही नहीं किया गाइस, कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, आप लोग को पता है कि
मैंने आपको जैसे कई बार बताया था कि मेरी भी तबीयत खराब थी और फैराज सर आउट ऑफ टाउन थे, तो कल तक सारे आपको रिकॉर्डिंग 6 बजे के अंदर अंदर एक्चुअली वो आज ही अपलोड हो रही थी, लेकिन आज भी कोई कुछ प्रॉब्लम आ ही गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कल हम लोग इसको कल तक सारे हो जाएंगे, कल ऐसा आपको शिकायत का कोई मौका भी मिलेगा, डोंट वरी। ओके अभिषेक, डोंट वरी गाइस, योर रिकॉर्डिंग आर सेफ विद अस। एक्सक्यूज मी सर, अरे नहीं नहीं सर, शिकायत कोई नहीं है आपसे, बस मैंने बात चाहिए बस। यस यस, डोंट वरी डोंट वरी। एक्सक्यूज मी सर, वेट वेट डियर। ओके सर, साजिदा यस बोलो सर, जैसे हम नोटपैड में कुछ इंपोर्टेंस भी लिख के सेव कर सकते हैं ना सर? आप चाहो तो लिख सकते हो, लिख के सेव कर सकते हो, बाद में आपका काम हो जाने के बाद आप डिलीट कर दो वहां से उसको, अगर आपके कुछ काम का नहीं है तो। हाँ जी सर, जैसे कि एमएस वर्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो जैसे आसानी के लिए अपने को नोटपैड में, अगर आपको कुछ तो देखो, आपको सिर्फ नोट्स ही निकालना है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो, बट अगर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको फिर वो एमएस वर्ड में ही बनाना पड़ेगा। यस बिल्कुल वेट सर, जैसे नोटपैड फोन में होता है और लैपटॉप में भी उसी तरह ही होता है लैपटॉप में भी तो होता है ना, हर पीसी में होता है, ठीक है। नोटपैड यानी परमानेंट सॉरी टेम्पररी डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, टेम्पररी डेटा है या कुछ आपने लिखा हुआ है, बस उसी प्रकार का है वो, बस एक रफ जिसे कहेंगे ना रफ नोट। हाँ रफ डायरी ऐसे, जैसे डायरी और रजिस्टर में बहुत फर्क होता है, रजिस्टर बड़ी होती है, डायरी छोटी होती है, ठीक है, उस तरह से। यस सर, सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन। यस आदित्य दीक्षित, ऑलराइट निष्ठा, सर हमने देखा था व्यू के लिए वी था और ज़ूम के लिए जेड या ज़ूम इन के लिए आई था, अगर डायरेक्ट ज़ूम या ज़ूम इन के लिए जाना तो क्या करेंगे? नहीं तो उसके लिए आपको फिर वही व्यू मेन्यू में करना पड़ेगा, ऑल्ट वी करना पड़ेगा, बाद में आपको राइट एरो करके जाना पड़ेगा ज़ूम इन ज़ूम आउट जो है ना, तो फिर वो लाइक वो शॉर्टकट का फिर क्या मीनिंग रहेगा? नहीं देखो ना, हाँ मसला ये है कि वो शॉर्टकट वो मतलब देखो वो यहाँ से काम नहीं करेंगे, आपको फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप अल्ट वी करके व्यू मेन्यू में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप अगर आप जेड मतलब जेड प्रेस करेंगे वो सीधे जूम सब मेन्यू में चला जाएगा। अच्छा मतलब बाद में प्रेस करना है? हाँ बाद में प्रेस करना है एक साथ में। तो अगर मैं ऑल्ट वी और नहीं वैसे एक साथ नहीं होगा वो, बाद में करना है, ऑल्ट वी पहले करना है फिर बाद में जेड प्रेस करना है, ऐसा ऐसे फिर वो हो जाएगा बाद में जेड। हां ऐसे, यस थैंक यू निष्ठा। यस राखी, यस सर। सर जैसे नोटपैड में जाके ऑप्शन खोलते हैं और फिर डू अंडू, इससे क्या होता है सर? जैसे हम कह सकते हैं इसमें अंडू है, ऐसे ऑप्शन आ रहे सर्च डू अंडू, ये क्या होता है ये हम जब फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट सीखेंगे तब आपको बताएंगे। ओके सर। सर और जैसे हम लोग कट करते हैं तो कंट्रोल एक्स है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है, पर इसमें पेस्ट करने के लिए पी है बोल रहा है, मतलब नहीं नहीं बोला था उसमें, एक्चुअली आपने सुना नहीं वो। ठीक सर, देखिए कट के लिए टी, अच्छा वो एक्सेस की बात कर रहे हो आप, एक्सेस की होती है वो थोड़ी, एक्सेस की वगैरह क्या होता है, एक्सेस की क्या होती है, हॉट कीज क्या होती है या स्टैंडर्ड कीज क्या होती है, ये अब हम देखा ही नहीं है, ठीक है देखेंगे हम, डोंट वरी गाइस उसमें भी आएंगे। ओके यस थैंक्स सर। सॉरी बीच में इंटरप्ट कर दिया। हु इज दिस? सर साजिदा सर। हां साजिदा आप रह गए थे, बताओ। नहीं सर क्वेश्चन तो मेरा हो चुका था, बट जैसे सर राखी ने क्वेश्चन किया कि डू अंडू, अंडू का तो मतलब सर वो होता है जैसे कि हमने कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया,
फिर उसको वापस से लाना है तो जेड कर सकते हैं। हाँ जी सर, कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू हो जाता है, सारा वापस से आ जाता है, अंडू का तो ही हो गया। तो सर डू में मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं है। नहीं वो रिडू होता है, वो डू नहीं होता, रिडू होता है। अच्छा रिडू मतलब तो रिडू बोलते हैं, डू नहीं बोलते। यानी समझ उसकी प्रोनाउंसिएशन समझ। हाँ कंट्रोल वाई करेंगे तो रिडू हो जाता है वो। तो इसका मतलब क्या होगा सर? नहीं वो आगे सीखेंगे ना हम। यस आगे देखेंगे, ठीक है। वो अपने आप में अलग से टॉपिक है वो, ठीक है। फाइल फोल्डर मैनेजमेंट जब आएगा ना, कर्व कॉपी पेस्ट जब देखेंगे ना, तो उसके साथ साथ हम देखेंगे। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, हु इज दिस? सर मैं अभिषेक। यस अभिषेक। अभी सर मैं एक लाइन में, अभी तो चलो अब आप आगे बताना, वैसे मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा जो अभी एक्सेस कमांड उन्होंने कहा था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक मुझे जानकारी है कि जो भी हम कमांड, जो भी हम की कंट्रोल के साथ यूज करते हैं उसको हम शॉर्टकट कमांड कहेंगे, जो ऑल्ट के साथ यूज होती है वो एक्सेस कमांड होती है। ये अभी के लिए आप सभी समझ लो। नहीं दोस्त, नहीं दोस्त, थोड़ा नहीं सर, ये मैं देखा हुआ, मैंने ये चीज पढ़ी हुई है। नहीं नहीं एक्सेस की ठीक है, लेकिन काफी अंतर है दोस्त आप जो कह रहे हो ना और उसमें, और हम जो आपको आगे बताएंगे उसमें। हाँ वो ठीक है, ये मैंने जस्ट एक लाइन में उसको मतलब हल्का सा ऐसे बताया। ऑल्ट की के साथ मैंने ये चीज पढ़ी हुई है आर्टिकल में। चलो वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी अप्रोप्रिएट ये नहीं आता सॉल्यूशन इसमें। नहीं नहीं वो तो इसके ऊपर बड़ा ही डिस्कशन होगा, वैसे तो मैंने जस्ट शॉर्ट नोट में बताया। बट थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, आपने जो कहा है वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है दोस्त। हाँ, उसको तो हम कॉम्बिनेशन की भी कहेंगे ना फिर, यानी साथ में जो दो बटन एक साथ प्रेस करके कर रहे हैं तो, ठीक है ना, तो थोड़ी अलग होती है। एक्सेस की अलग है मसला, थोड़ा सा बताएंगे आपको। डोंट वरी, ओके। यस All right, guys. Question. So, wait. It's almost 1 minute left, so we'll take today for last question, and then we will be able to continue with the tomorrow. Okay. So, whom should I? All right. Hello, sir. Wait. Okay, we will take last two questions. बिल्कुल सर, जैसे श्याम सर ने अभी कहा कि विंडो 11 में हमें पूरा वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलता है, तो क्या विंडो 11 प्रेफरेबल है? नहीं अभी मार्केट में आया नहीं है, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है। वो हमने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, उन्होंने इवन रिलीज भी नहीं किया कि विंडोज 11 लॉन्च कब होगा, क्या होगा। अब देखो कब रिलीज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले, जब रिलीज करेंगे तब पता चल जाएगा। एंड अगेन द कंसर्न इज सेम, अगेन द कंसर्न इज सेम, व्हेन द टॉपिक इज ऑन गोइंग, सो प्लीज स्टे विद द टॉपिक्स। सर NVDA 2021 भी तो आ गए हैं, सो क्या उसमें भी वो ऑप्शन है? राइट, वॉइस का ऑप्शन नहीं है उसमें। ओके एंड सर नोटपैड में भी क्या वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है? नहीं नोटपैड में नहीं है, वर्ड में है, बट उतना अभी तक एफिशिएंट नहीं है, मतलब जो वर्ड का जैसा मुझे चाहिए ना, एक्सप्लोर किया था मैंने, बट उतना सफिशिएंट नहीं लगा मुझे वो ऑप्शन। गूगल में है, जो ऑनलाइन जब हम काम करते हैं ना, गूगल शीट ये सब में, ये सब में है, बट वर्ड में नहीं है। ऑफलाइन वॉइस कमांड इतना ठीक से काम नहीं करता अपने विंडो का, इसका मैक का करता है बट विंडो का नहीं करेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। सो लास्ट शेयरिंग, लास्ट क्वेश्चन हम लेके आ जाएगा, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, क्योंकि नई लिंक हमें अभी लगेगी थोड़ी देर के लिए। तो यस लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। यस सर, तरुण बत्रा। सॉरी, हेलो। हाँ यस, तरुण ने हमसे बात नहीं की अब तक। यस तरुण बोलो। यस एक्चुअली सर मुझे ये जानना है कि जैसे हम नोट्स लिखने के लिए
बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉलेज की जैसे असाइनमेंट वगैरह हो गई तो हम क्या उसको जैसे हम फोन में गूगल स्पीच इंजन के थ्रू हम टाइप करते हैं राइट उस तरीके से हम वर्ड में टाइप कर सकते हैं है वर्ड में ऑप्शन है दोस्त बट इतना एफिशिएंट नहीं हो अभी मैंने कहा ना बुलबुल ने जो सवाल पूछा था वर्ड में है दोस्त बट इतना एफिशिएंट अब तक नहीं है डेवलपमेंट नहीं हुई है जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो काम करते जाएगा ठीक है जैसे हम बोलते ना टाइप करते हैं तो फटाफट टाइप नहीं कर पाता वर्ड टाइम लेता है बहुत टाइम लेता है ओके और सर व्हील में हम चला सकते हैं ना विंडो 11 अभी चला सकते हैं अभी नहीं भविष्य में चला सकते हैं फ्यूचर में चला रहे हैं VMware के थ्रू विंडो 11 आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा है VMware एक मतलब अनलीगल साइट है शायद उसके थ्रू विंडो 11 गाइस डोंट टॉक हियर आफ्टर मींस यू नो अनलीगल साइट हां फिलहाल तो वो नहीं करना है जब ऑफिशियली जो रिलीज होता है ना तब हम यूज करते हैं अनलीगल साइट की बातें हम यहां नहीं करेंगे गाइस ओके सर मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा था नहीं नहीं वो पर्सनल कंसर्न करो इस जूम मीटिंग में अनलीगल साइट के बारे में डिस्कस मत करो इसलिए पर्सनल चैट करो पर्सनल कंसर्न सो या दैट्स द कंसर्न and again sorry for today guys because today we have limited time access sir please meri ek problem solve kar do sir sir mujhe na apne jo jaws hai uski speed na decrease karni hai increase mein short command kaam nahi kar rahi to sir kaise karenge usko decrease karni hai sir ha control window aur alt key press karke rakho aur page down karo sir nahi ho raha hai wo command kaam hi nahi kar rahi hai window 10 mein wo कमांड काम नहीं कर रही है सर लॉन्ग तरीका बता दो अगर हो तो आपको फिर जॉब के मेन्यू में जाके करना पड़ेगा जो वॉइस सब मेन्यू में है ना ऑप्शन वहां पे आपको करना पड़ेगा या तो जॉब सेटिंग्स विजेट है ना वहां पे जाकर आपको करना पड़ेगा सारा ऑप्शन तो आपको आपको जॉब सेट तो सर ये इंसर्ट जे जॉब मेन्यू में तो मैं गया इसके बाद क्या करना पड़ेगा सेटिंग्स विजेट में जाना पड़ेगा आपको नीचे ऑप्शन होता है देखो आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको जॉब हेल्प मेन्यू में आपको देखो पहले आपको हां आपको फिर सेटिंग्स में जाके वहां पे वॉइस सब मेन्यू में जाओगे आपको वहाँ पे रेट का भी ऑप्शन मिलेगा सेटिंग में हेल्प में जाके मिलेगा ना ये हेल्प में नहीं हेल्प में अलग ऑप्शन आता है सेटिंग विजेट आता है तो वॉइस सब मेन्यू में जाके आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बेसिक वॉइस एडजस्टमेंट एंड इंडिविजुअल में तो आपको बेसिक पे ऑप्शन मिल जाएगा वो वॉइस का थैंक यू सर ओके गाइस तो टाइम आउट हो चुका है अपना बस के लिए हम विदा चाहेंगे गाइस जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके वो हम कल डेफिनेटली लेंगे आपको क्वेश्चंस अपने पास रखे सर हाँ जी एक एक छोटा सा क्वेरी है मेरा जूम के बारे में मुझे वो हैंड रेस्ट के लिए शॉर्ट की क्या है उसका Alt-Y. Good night, sir. Good night, all of you.